डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री को। ठीक है, जैसा कि हम लोग 12th क्लास में जो केमिस्ट्री सेक्शन में पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने हेलोबेंजीन के बारे में पढ़ा। हेलोबेंजीन का जो अभिक्रिया होता है, वो तीन टाइप्स का अभिक्रिया होता है। एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही, और तीसरा धातु के साथ अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग, जैसा कि जानते हैं, हम लोगों ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ा था। अब आइए हम लोग चलते हैं, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो इसके नीचे फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण लिखने आएगा, हैलोजनीकरण कॉमा, हैलोजनीकरण कॉमा नाइट्रोकरण, नाइट्रो करण कॉमा सल्फोनीकरण तथा सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण ऐसे सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हैलोजनीकरण किसको कहते हैं, नाइट्रोकरण किसको कहते हैं, सल्फोनीकरण किसको कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। लेकिन अभी आपको ये समझना चाहिए कि ये सब सारा अभिक्रिया जो हम लोग लिखे हैं वो किसके अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हैलोजनीकरण, नाइट्रोकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट ये किसका उदाहरण है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो अब इसका एक और एरो देते हैं। हम लोग सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, सॉरी नाइट्रोकरण क्या होता है, सल्फोनीकरण क्या होता है, सबके बारे में। फिलहाल नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे बेंजीन रिंग RING इंग्लिश में लिखिएगा, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैलोजन परमाणु ऑर्थो को ब्रैकेट में ओ लिखेंगे, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैलोजन ऑर्थो और पैरा को हम लोग पी बोलते हैं। ऑर्थो और पैरा निर्देशित करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ये तो हम लोग फर्स्ट में लिखें कि हैलोजनीकरण, नाइट्रोकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। फिर हम लोग आगे पढ़े नेक्स्ट एरो में कि बेंजीन रिंग जो होता है वो कहाँ कहाँ निर्देशित करता है। तो
तो ऑर्थो पे और पैरा पे। अब हम लोग ऑर्थो और पैरा किसको कहते हैं जरा इसके बारे में हम लोग उसके नीचे लिख लेंगे। तो आप लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। जैसा कि जानते हैं ये बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के इस कार्बन को बोला जाता है ऑर्थो, जिसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं इस वाले कार्बन को मेटा, इसको एम से सूचित करते हैं, और इस वाले कार्बन को बोलते हैं हम लोग पैरा, जिसको पी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि बेंजीन के इस वाले कार्बन को ऑर्थो बोला जाता है, इसको मेटा बोला जाता है, इसको पैरा बोला जाता है, इसको कौन सा बोलेंगे, ये मेटा के सामने है मेटा बोलेंगे, इसको कौन सा बोलेंगे ऑर्थो के सामने ऑर्थो बोलेंगे, पैरा के सामने इसको भी पैरा बोल देंगे। टोटल मिलाकर हम लोग समझें कि ऑर्थो मेटा पैरा किसको कहा जाता है। तो बेंजीन रिंग से अगर इस कार्बन पे कोई हैलोजन जुड़ता है उसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है, अगर इस कार्बन पे जुड़ेगा उसको मेटा कहते हैं, और इस पे जुड़ेगा तो पैरा बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या यहाँ पे सेकेंड एरो में लिखें कि कोई भी बेंजीन रिंग होता है वहाँ पे जो हैलोजन जुड़ता है वो कहाँ कहाँ जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है, यानी कि हम लोगों को मेटा काम का नहीं है। फिलहाल इन चीज़ों को आप लिख लीजिएगा नोट में करके, ठीक है, उसके नीचे कि बेंजीन रिंग के किस किस कार्बन को क्या क्या नाम है, किसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, किसको मेटा बोलते हैं, किसको पैरा बोलते हैं, ये चीज़ हो गया। अब लोग हम लोग अब टॉपिक बनाएंगे हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण लिखा जाए, हैलोजनीकरण में एरो देकर एरो देंगे, लिखेंगे जब जब हेलो बेंजीन को जब हेलो बेंजीन को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब हेलो बेंजीन को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हैलोजन का एक अणु, हैलोजन का एक अणु ऑर्थो तथा पैरा पे जुड़ते हैं। चलिए अब जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़े हम लोग कि ये हैलोजन हो सकता है, हैलोजनीकरण, नाइट्रोकरण, सल्फोनीकरण, फ्रिडल क्राफ्ट, ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम लोग कुछ जानना जरूरी है कि आखिर हैलोजनीकरण में क्या होता है। तो सबसे पहले रूल्स को हम लोग देखेंगे, क्या रूल्स बोला कि कोई भी हैलोजन हेलो बेंजीन, तो कोई भी हेलो बेंजीन का मतलब कि यहाँ पे एक्स एक्स मतलब हैलोजन अगर बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है हेलो बेंजीन हो गया, ये हेलो बेंजीन को अगर हैलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हैलोजन के साथ अभिक्रिया का मतलब एक्स टू के साथ करते हैं। ध्यान रहे कोई भी हैलोजन के साथ, हैलोजन माने एक्स, और उसको टू के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं एक्स टू लिखा हुआ है। जब भी इसका अभिक्रिया कराया जाता है दोस्तों तो इससे दो प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान रखिएगा, दो प्रतिफल उत्पन्न होते हैं, यानी ये जब अभिक्रिया करता है सॉरी ये जो अभिक्रिया करता है कितना प्रतिफल बनता है, दो प्रतिफल। पहला ये कि जो बेंजीन रिंग था हम लोगों को, बेंजीन रिंग ऐसा ही था ना,
यहाँ पे एक्स था, तो हम लोगों को यहाँ दो प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लेकिन हेलोजन का जो एक परमाणु है, एक बार ऑर्थो पे जुड़ता है, एक बार पैरा पे जुड़ता है, क्योंकि ऑर्थो हम लोग इसको कहते हैं, पैरा इसको कहते हैं, इसलिए जो प्रतिफल बनेगा, एक बार हेलोजन को ऑर्थो पे जोड़ दिए, एक बार हेलोजन को पैरा पे जोड़ दिए, और इससे जो रिजल्ट निकला वो हम लोगों को, इसमें भी एच एक्स बाहर हो गया, इसमें भी एच एक्स बाहर हो गया, जो हमें काम का नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, कोई पूछेगा कि हेलोजनीकरण क्या होता है, या फिर उसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, तो हम यही बोलेंगे कि हेलोजनीकरण में कोई भी हेलोबेंजीन अगर हेलोजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो हेलोजन का जो एक परमाणु है वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है। अब जरा इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे मान लिया कि एक यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे सीएल है, और जो यहाँ पे हेलोजन रहेगा उसी के साथ अभिक्रिया करना है Cl2। तो इसके साथ जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो दो प्रोडक्ट मिलने वाला है, देख पा रहे होंगे, दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक ये वाला जो हेलोबेंजीन है, इसको तो हम हालांकि क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और एक ठो पैरा पे भी जुड़ेगा। यानी हेलोजनीकरण में आप याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया में, हेलोजनीकरण अभिक्रिया में दो तरह का प्रतिफल बनते हैं, एक हेलोजन का परमाणु ऑर्थो पे जुड़ता है और एक हेलोजन का परमाणु पैरा पे जुड़ता है। तो इसका कैसे प्रतिफल बनेगा, तो एक हेलोजन को जोड़ दिया यहाँ पे सीएल, और एक को ऑर्थो पे जोड़ दिया, और एक को नीचे जोड़ दीजिएगा, नीचे होता है पैरा, नीचे हो गया सीएल, और ऊपर तो ऑटोमेटिक सीएल था, देख पा रहे हो, ऊपर तो ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है, एक ऑर्थो पे जोड़ देंगे, एक नीचे पैरा पे, इधर बाहर हो जाएगा एच एक्स, एच एक्स माने एच सी एल। उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हम एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं, कैसे भाई, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू क्या है, तो मान लिया कि ब्रोमो बेंजीन, ये ब्रोमो बेंजीन है और ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, आप खुद से बना लीजिएगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रतिफल बनेगा, आप खुद से इसका बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी हेलोजनीकरण के बारे में पढ़ें, अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अगर नाइट्रोकरण करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, या फिर नाइट्रोकरण में हमें कैसे रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग लिखते हैं टॉपिक्स, नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण, अब नाइट्रोकरण को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि आखिर नाइट्रोकरण क्या होता है। तो नाइट्रोकरण में जो हमें प्राप्त होता है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ जब किसी भी हेलोबेंजीन को अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, तो हमें कैसे प्राप्त होता है ज़रा समझिएगा। तो इसमें लिखा जाए फर्स्ट, तो इसमें लिखा जाए फर्स्ट अणु देकर, जब हेलोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रस के ऑक्साइड बेंजीन के साथ, नाइट्रस के ऑक्साइड बेंजीन के साथ ऑर्थो और पैरा पर
जुड़ते हैं, ऑर्थो और पैरा पर पड़ता जुड़ता है। चलिए अब इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। मान लिया कि कोई हेलो बेंजीन है। सबसे पहले रूल देख लेते हैं, कोई भी हेलो बेंजीन है मतलब कि कुछ इस तरीके से, ये रहा हेलो बेंजीन और इसके साथ नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ध्यान रखिएगा इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और इस नाइट्रिक अम्ल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा दो हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है, दो प्रतिफल बनता है। एक कौन सा? तो एक जो हेलोबेंजीन है, हेलोबेंजीन का मतलब ये वाला हेलोबेंजीन, यानी कि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे भी एक्स, ये तो हम लोगों का ऑलरेडी दिया हुआ है अभिकारक में, देख पा रहे होंगे। अब ये जब जुड़े नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो नाइट्रस के ऑक्साइड, देखिए नाइट्रस के ऑक्साइड को हम लोग NO2 बोलते हैं, और ये नाइट्रस के ऑक्साइड जो है इस बेंजीन के साथ ऑर्थो पे जुड़ेगा एक बार और एक बार पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोगों को बाहर होता है इस कैटेगरी में, वो H2O बाहर होता है, ठीक है, H2O बार होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का दो प्रोडक्ट्स, दो प्रतिफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये नाइट्रिक अम्ल का अभिक्रिया है। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लिया कि क्लोरोबेंजीन ले लिया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और इस क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनने वाला है? तो इस क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। एक एक पे जुड़ेगा NO2 और फिर एक पे जुटेगा यहाँ पैरा पे NO2, और बाद बाकी H2 वो हम लोगों का प्रोडक्ट में बनेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का रिएक्शन हो पाएगा, यानी कि याद रखना पड़ेगा कि कभी भी हेलोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं दो प्रोडक्ट्स बनाता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 का अगर बात करें तो मान लिया कि कोई इस बार ब्रोमोबेंजीन है, इट मीन्स ऐसे, ठीक है, और ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो कोई भी ब्रोमो बेंजीन रहे चाहे कुछ भी रहे, यानी कि हेलो बेंजीन रहेगा और जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका दो तरह का अभिक्रिया बनेगा। कौन कौन सा? एक एक यहाँ पे क्या है? ब्रोमो बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे भी ब्रोमो बेंजीन रहेगा रहेगा, ठीक है। और इस ब्रोमो बेंजीन के साथ नाइट्रस अम्ल, NO3 है ना, तो यहाँ पे NO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल हो गया और यहाँ ऑर्थो पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ देंगे पैरा, नाइट्रस अम्ल। और हम लोग बाहर क्या करेंगे? यहाँ पे बाहर हमेशा होगा H2O, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये है हम लोगों का नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण में आपको याद रखना पड़ेगा रूल्स कि कोई भी हेलोबेंजीन रहेगा अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को जो बनता है दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो पे नाइट्रस ऑक्साइड जुड़ता है, एक पैरा पे नाइट्रो ऑक्साइड जुड़ता है और H2O बाहर होता है। तो कुछ इस तरीके से था नाइट्रोकरण। अब चलिए हम लोग सीखते हैं सल्फोनीकरण क्या होता है। चलिए अब हम लोग आइए सीखते हैं सल्फोनीकरण। तो यहाँ पर टॉपिक बनाएंगे सल्फोनीकरण, उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे सल्फोनीकरण को समझते हैं कि ये सल्फोनीकरण क्या है। लिखा जाए सल्फोनीकरण में, जब जब हेलोबेंजीन को जब हाइड्रोजन
हेलोबेंजीन को, सॉरी, जब हेलोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, अभिक्रिया कराया जाता है तो SO3H के अणु, SO3H के अणु हेलोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पर जुड़कर, ऑर्थो और पैरा पर जुड़कर प्रतिफल का निर्माण करते हैं, प्रतिफल का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोसल्फेट भी बोलते हैं, जिसको SO3H बोला जाता है। तो SO3H जो है ये अणु जुड़ता है कहाँ पे? तो हेलोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे। फिलहाल मान लिया कि कोई भी हेलोबेंजीन है, सपोज दैट ऐसे, दैट इज हेलोबेंजीन, और इसका रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? तो बोल रहा है इसका इसका भी दो प्रोडक्ट बन रहा है। आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ही होता है हैलोजनीकरण, नाइट्रोकरण, सल्फ्यूरिक, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, ये सब सारा किसके अंतर्गत होता है? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के अंतर्गत होता है। और इस इलेक्ट्रॉन स्नेही में हम लोग हर बार दो प्रोडक्ट बनता है, याद रखिएगा, एक ऑर्थो पे जुड़ता है और एक पैरा पे जुड़ता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मेरा तो पहले से ही है, यानी कि हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन है पहले से ही, हेलोबेंजीन। अब ये हेलोबेंजीन पहले से ही है। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक ऑर्थो पे जुड़ता है SO3H के परमाणु, और यहाँ पे एक पैरा पे जुड़ता है SO3H के परमाणु। अब ये ऑर्थो पे जुड़ता है और पैरा पे जुड़ता है, और बाद बाकी प्रोडक्ट के रूप में H2O बाहर हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसके बेसिस पे भी, ये तो रूल्स हो गया ना हम लोगों का। रूल्स में क्या देखें हमेशा कि अगर हेलोबेंजीन रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करना रहेगा, दो प्रोडक्ट्स बनेगा, एक बार ऑर्थो पे SO3H के परमाणु जुड़ेंगे, एक बार पैरा पे जुड़ेंगे, और H2O बाहर होगा। फिलहाल हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा, इट मीन्स कि एग्जाम्पल में जैसे पहला है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देख पा रहे होंगे दो प्रोडक्ट बनता है, एक कौन सा, एक कौन सा, तो इस पे SO3H, यहाँ पे भी SO3H, यानी कि SO3H के परमाणु एक बार ऑर्थो पे जुड़ते हैं, एक बार पैरा पे। हम बताए ना अभी कि इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं, और यहाँ पे भी H2O, जैसा कि आप रूल्स में देख रहे हैं H2O बाहर होगा। तो कुल मिलाकर ये है हम लोगों का कौन सा, तो ये है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में याद रखिएगा H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। उसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम लोगों का ब्रोमोबेंजीन रहेगा, यानी कि Br जुड़ा रहेगा, तब अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करने को मिलेगा, तब हम लोग बना सकते हैं कि क्या बनेगा। तो दो प्रतिफल बनेगा, एक ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक पैरा पे जुड़ेगा, और दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही प्रतिफल में H2O बाहर होगा। एक तीसरा एग्जाम्पल भी आप बना लीजिएगा, अगर हम लोगों को आयोडोबेंजीन रहता है, आयोडोबेंजीन, H2SO4, ठीक है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल्स में आप दो क्वेश्चन बना लीजिएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और किस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया।
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। फ्रीडल क्राफ्ट नाम कैसे हुआ जरा आप समझिएगा। जब हेलोबेंजीन को, हेलोबेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग से कोई भी हेलोजन यानी कि एक्स जुड़ा हुआ रहता है, अगर ये मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं, क्लोरोमेथेन, तो CH3Cl, इसको हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, इसका नाम क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं, क्लोरोमेथेन के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो दो अभिक्रिया बनता है। कौन कौन सा अभिक्रिया बनता है, तो एक यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है। एक कौन सा बनता है, तो एक ऑर्थो पे जुड़ता है और एक पैरा पे जुड़ता है। यानी कि इस तरीके से हम लोगों का बेंजीन रिंग के साथ, एक बार ऑर्थो पे जुड़ता है मेथिल जिसको CH3 बोलते हैं, एक बार यहाँ पे जुड़िएगा पैरा पे जुड़ता है CH3। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों का हेलोबेंजीन है वो तो रहेगा ही रहेगा। याद रखिएगा हम लोगों का हेलोबेंजीन में, हेलोबेंजीन को जब क्लोरोमेथेन के साथ अभिक्रिया करते हैं तब इसका नाम हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और इसके साथ जब हम लोग कराते हैं, जैसा कि दो प्रोडक्ट बनता है, याद रखिएगा मेथिल इस पे ऑर्थो पे जुड़ता है, एक बार मेथिल पैरा पे जुड़ता है और बाद बाकी हम लोग यहाँ पे HCl बाहर होता है। आप समझ पा रहे होंगे ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब हेलोबेंजीन को क्लोरोमेथेन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो मेथिल के अणु, ये देखिए मेथिल है, CH3 को मेथिल बोलते हैं और CH4 रहता ना तब इसको मेथेन बोल देते हैं, मेथेन। और हम आपको IUPAC नाम में बताए भी हैं कि CH3 रहेगा तो उसको आपको मेथिल बोलना है। तो यहाँ लिखा जाए कि जब हेलोबेंजीन को क्लोरोमेथेन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मेथिल के अणु ऑर्थो और पैरा पर जुड़कर, प्रतिफल का उत्पाद करते हैं या निर्माण करते हैं। तो इसको आप रूल्स में लिख लीजिएगा, रूल्स के तौर पे ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, दिख पा रहे हैं ना आप, हाँ यही। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे तो इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे मान लिया कि एक कोई क्लोरोबेंजीन है, इसका हम लोग किसके साथ, मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन CH3Cl के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है, नंबर 1 नंबर 2। इसमें क्या बोलते हैं कि एक जो हेलोबेंजीन है, हेलोबेंजीन के मतलब हम लोग क्या लिखे हैं, क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पे भी हम लोग जोड़ देते हैं CH3 यानी कि मेथिल, और पैरा पे भी जोड़ देते हैं मेथिल, और बाद बाकी क्या बाहर होगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर हो जाएगा। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो नोट में अगर आपको यहाँ पे जगह होगा फर्स्ट एरो के बाद नीचे सेकंड एरो में, तो लिखिएगा इसे ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन हुआ। आप चाहें तो और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आप इसको ब्रोमो बेंजीन के साथ यानी कि बेंजीन रिंग्स के साथ जब ब्रोमीन जुड़ा रहेगा तो CH3Cl के साथ रिएक्शन क्या बनेगा वह बना सकते हैं।
जब आयोडो बेंजीन रहेगा, जब आयोडो बेंजीन रहेगा तब क्लोरोमेथिन का बनाइएगा कि क्या बनता है इसका प्रोडक्ट। तो इसका भी आप दो एग्जाम्पल खुद से कीजिएगा, इसका भी दो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से इसको बनाइएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसका चार पार्ट्स था, कौन कौन सा याद रहेगा? तो पहला था हैलोजनीकरण, याद है, फिर था नाइट्रोकरण और सल्फोनीकरण, और फिर अभी है फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया। तो इन सारे अभिक्रिया में याद रहना चाहिए आपको कि दो प्रतिफल बनते हैं और दोनों प्रतिफल में एक ऑर्थो पे जुड़ता है, एक पैरा पे जुड़ता है। तो इस तरीके से आज हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ लिए। तो इसी के साथ आज के क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।